कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरा साल अपना टाइम वेस्ट करने के बाद एंड पे आके मुझे मैसेज करते हैं, सर को ट्रिक बताते हैं, सर को इम्पोर्टेंट बताते हैं, सर हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, हम एग्जाम में पास हो जाएं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो आके मुझे बोलते हैं कि सर हमारे कॉलेज के टीचर ने सही नहीं पढ़ाया था, हमारे सेंटर के टीचर ने सही नहीं पढ़ाया था, हमें कुछ समझ नहीं आया। लास्ट जो मेरे मैथमेटिक्स के बैचेस थे उनकी फीस 2000 पर मंथ हुआ करती थी, और इस दफा जो मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं मैथ के, उनकी फीस भी 2000 पर मंथ है। ऑनलाइन क्लास में फायदा ये होता है कि आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, इन केस आपकी क्लास मिस हो जाए तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अगर आपने क्लास ले भी ली है और आप 6 महीने बाद उस लेक्चर को रिवाइज करना चाह रहे हो तो रिकॉर्डिंग से आप रिवाइज कर सकते हो, जो कि नॉर्मल फिजिकल क्लासेस में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। क्लास मिस हो गई तो दैट्स इट, आप दोबारा उसको रिवाइज नहीं कर पाते। ई कैट का जो कोर्स है इसमें पंजाब बोर्ड और सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स है, जिसमें फर्स्ट ईयर के 120 लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड। इसी तरीके से सेकंड ईयर के तकरीबन 80 लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। हर लेक्चर की जो लेंथ है वो 30 मिनट की है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अनाउंसमेंट करनी है मैंने। न्यू मैथमेटिक्स के बैचेस मैंने स्टार्ट किए हैं। ये जो बैचेस हैं ये फर्स्ट ईयर मैथ का है, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एंड ई कैट मैथमेटिक्स का। अब जो बच्चे मैट्रिक से पास होके फर्स्ट ईयर में आए हैं तो वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एडमिशन लेंगे, जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं तो वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में एडमिशन लेंगे। सवाल ये है कि ई कैट मैथमेटिक्स में कौन एडमिशन लेगा? तो डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे ई कैट मैथमेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो वो है जो फर्स्ट ईयर से पास आउट होकर सेकंड ईयर में आए हैं, तो सेकंड ईयर वाले बच्चे इस ई कैट में एडमिशन लेंगे। ये जो ई कैट का कोर्स है ये नस्ट को टारगेट करेगा। नस्ट पाकिस्तान की नंबर वन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। इसके 3 टेस्ट होते हैं, जो बेस्ट होता है उसका स्कोर कंसिडर किया जाता है। तो नेक्स्ट ईयर जब सेकंड ईयर के बच्चे जो इस दफा आए हैं फर्स्ट ईयर में पास आउट होकर अब सेकंड ईयर में आए, तो नेक्स्ट ईयर ये इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। तो दिसंबर में पहला टेस्ट होता है नस्ट का, फिर नेक्स्ट ईयर तकरीबन मार्च अप्रैल में दूसरा टेस्ट होता है, और जून जुलाई में तीसरा टेस्ट होता है। तो तीनों टेस्ट में से जो बेस्ट स्कोर होता है नस्ट, वो आपकी कंसिडर करती है, उसके मुताबिक आपको एडमिशन देती है। तो वो स्टूडेंट जो नस्ट के लिए ख्वाहिशमंद है वो इस बैच में ई कैट के एडमिशन ले सकते हैं। वो दूसरी किस्म के वो स्टूडेंट हैं जो फॉर एग्जांपल एक साल गैप उन्होंने लिए हैं, या वो इम्प्रूवमेंट दे रहे थे तो अब वो दोबारा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो कि अपनी मैथ इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो यूनिवर्सिटी में होते हैं लेकिन वो कहते हैं कि सर हमें मैथ इंप्रूव करनी है। तो आप इंप्रूव करने के लिए, या जो पंजाब बोर्ड की मैथमेटिक्स समझना चाहता है, क्योंकि इस कोर्स में पंजाब बोर्ड की मैथमेटिक्स पूरी कवर होगी, ऑब्वियसली सिंध भी होगी उसके अंदर, 80% सिंध और पंजाब सेम है, एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो भी इंशाल्लाह कवर होते हैं इसके अंदर, तो वो बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस हमारी किस तरीके से होंगी बच्चों? क्लासेस हमारी ऑनलाइन होंगी, जूम ऐप के ऊपर हमारी क्लासेस होती हैं, और ये क्लासेस बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, बिल्कुल कन्वेंशनल क्लास होती है, बस घर बैठ के आप एक क्लास ले रहे होते हो। इसमें वही सेटअप होता है जो रियल लाइफ में आपके पास एक व्हाइट बोर्ड होता है जिसपे आपका टीचर पढ़ा रहा होता है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे आप अपने घर में बैठ के मुझे देख रहे होगे और मैं व्हाइट बोर्ड पे मैथ आप लोगों को समझा रहा हूँ। नेट का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि 35 Mbps का नेट है, कोई इशू होने नहीं वाला आपको। इसी तरीके से ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपको कोई मसला नहीं करेगी क्योंकि कैमरा बहुत जबरदस्त है, हर चीज आप लोगों को बेस्ट नजर आएगी। प्लस ऑनलाइन क्लास जो होती है उसमें आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, इनकेस आपकी क्लास मिस हो गई है या आपका इंटरनेट का कनेक्शन खराब था या आपकी लाइट चली गई है, कोई भी रीजन है जिसके तहत आपकी क्लास मिस हो गई है, या अगर आपने क्लास ली और आप बाद में रिवाइज करना चाह रहे हो तो रिकॉर्डिंग आपको हर क्लास की मिलेगी, ताकि आप उसको रिवाइज करके जो पॉइंट मिस हो गया है वो आप अपने पास नोट कर लो। स्केड्यूल क्या होगा हमारा बच्चों? फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस हमारी दोपहर में हुआ करेंगी, 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो फर्स्ट ईयर की मंडे ट्यूजडे को होगी दोपहर 2:30 से लेकर 4 बजे तक, और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस होंगी वेनेसडे थर्सडे को दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये टाइम मैंने इसलिए डिसाइड किया, आमतौर पे स्टूडेंट के इस टाइम पे कोई सेंटर भी नहीं होते, कॉलेज भी इतना नहीं होता, और बेस्ट टाइमिंग इसलिए भी है कोई नमाज दरमियान में नहीं आ रही होती। इन केस अगर स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और मेजोरिटी स्टूडेंट अगर कोई और टाइमिंग रखना चाह रहे होंगे तो हम कोई और टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन मेरी प्रेफरेबल टाइमिंग यही होगी और ज्यादातर स्टूडेंट मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस टाइम पे फ्री होते हैं, वो क्लास ले सकते हैं। इन केस कुछ 2-3 स्टूडेंट को अगर इश्यू हुआ तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। जहां तक बात ई कैट की है तो बच्चों ई कैट का जो बैच है ये रिकॉर्डेड होता है, ये लाइव क्लासेस इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि इशू ये होता है कि इसमें ओवरऑल सब जगहों से मेरे पास स्टूडेंट होते हैं, तो किसी का इंटरनेट का मसला है या कोई काफी इशू चल रहे होते हैं, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैं खुद इनको अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करके रेगुलर स्टूडेंट को 1 या 2 लेक्चर सेंड करता हूँ। टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे 1 या 2 या 3 लेक्चर जो भी मैंने कवर करवाना होगा वो अपलोड हो जाएगा गूगल ड्राइव के ऊपर, वही स्टूडेंट देख पाएंगे जो इस कोर्स में एडमिशन लेंगे। हर बंदों के लिए ऑब्वियसली नहीं है, पेड कोर्स है ये, और इससे रिलेटेड आप लोगों को PDF MCQs हर लेक्चर के मिल जाए करेंगे, चैप्टर वाइज अलग।
अच्छा इसमें थ्योरी मैंने अलग तरीके से वीडियो में कवर करवाई हुई है, एमसीक्यूज जो है वो अलग वीडियो में मैंने कवर करवाए हुए हैं। फर्स्ट डे की अगर आप बात करो तो 80 लेक्चर्स जो है वो पूरी थ्योरी के हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, ट्रिक्स डिस्कस की हुई है, और बाकी ये समझ लो तकरीबन 42 लेक्चर्स जो है वो एमसीक्यूज है, मतलब वीडियो में आके मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं। और एवरेज अगर आप निकालो तो एक वीडियो 30 से 35 मिनट की होती है। सेकंड डे की बात की जाए तो 50 लेक्चर पूरी थ्योरी और ट्रिक्स पे कवर किए हैं मैंने, 30-35 मिनट के लेक्चर्स होते हैं। और इसी तरह एमसीक्यूज के भी तकरीबन 29-30 लेक्चर्स हैं जो आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज के पीडीएफ, वर्कशीट, ये अलग है, सब चीजें जो आपको इस कोर्स में मिलेंगी। तो ओवरऑल आपकी पंजाब बोर्ड की मैथमेटिक्स पूरी कवर होगी इसके अंदर। 80% मैंने बताया कि सिंध होती है, बस 20% एक्स्ट्रा टॉपिक है पंजाब बोर्ड के अंदर, वो भी आप इंशाल्लाह पढ़ोगे, और जो सिंध बोर्ड के टॉपिक है वो भी आप अच्छे तरीके से समझोगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे इस ईकैट के कोर्स में। सवाल एक है सर फीस क्या होगी, तो बच्चों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की लास्ट बैचेस में, लास्ट ईयर मेरी फीस होती थी 2000 पर मंथ। यकीन मानो इस बैच में भी फीस 2000 ही है, और ये मैंने इसलिए बढ़ाई नहीं है क्योंकि आपको पता है आजकल के दौर में अगर एक साल पहले जो 2000 की वैल्यू थी पाकिस्तान में, वो आज 2000 की वो वैल्यू नहीं है। आप लोग जान सकते हो कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, और जो जूम का लाइसेंस है वो होता भी डॉलर्स के अंदर है, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे ही पड़े हैं। लेकिन स्टिल मैंने फीस बढ़ाई नहीं है क्योंकि मैं हमेशा ये देखता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी हमारे मुल्क में महंगाई होती है तो सब पैसे बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं। लेकिन इस दफा मैं बिल्कुल भी वो करना नहीं चाह रहा, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाह रहा हूं ताकि स्टूडेंट को कोई इशू ना हो। ये बहुत ही एक मिनिमम फीस है जो आपको पर मंथ देनी है। फर्स्ट ईयर बैचेस की भी 2000 है, सेकंड ईयर की भी 2000 है। और जहां तक ईकैट की बात करो तो ईकैट की एक साथ फीस ली जाती है, 4 महीने का ये कोर्स है ईकैट का। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कोर्स है ये तकरीबन 8 मंथ के कोर्स है, 15 अगस्त से स्टार्ट होंगे तो 8 मंथ आप लगा लो, 15 अप्रैल तक चलेंगे। जहां तक ईकैट के कोर्स की बात है तो ये इंशाल्लाह 15 अगस्त को स्टार्ट होगा और तकरीबन 15 दिसंबर में इंशाल्लाह ईकैट होता है, सॉरी नस्ट का पहला टेस्ट होता है, नेट 1 जिसको कहते हैं, उससे पहले इंशाल्लाह आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो ई कैट कोर्स की जो फीस है वो 5000 है। लास्ट बैच अगर आप लोग यूट्यूब पर देखोगे उसकी फीस 6000 थी, तो उससे भी मैंने 1000 ड्रॉप कर दी है। तो 5000 ये पूरे 4 महीने की फीस है, एक ही दफा आपको ई कैट में फीस देनी है 5000, और वो पूरे 4 महीने के लिए कवर हो जाएगी। जबकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पर मंथ फीस है 2000, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। कोर्स कब स्टार्ट होगा हमारा, कोर्स हमारा इंशाल्लाह 15 अगस्त को स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और ई कैट तीनों कोर्सेज जो है वो 15 अगस्त मंडे से हमारे स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन की जहां तक बात है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस पे मुझे मैसेज करो, आप लोग बताओ कि किस कोर्स में आपने एडमिशन लेना है, उसके बाद मैं आप लोगों से अकाउंट डिटेल सेंड करूंगा, उस पे आप लोग फीस सेंड करना, स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, नाम अपना बताना, एक जीमेल अकाउंट मुझे दे देना, इस तरीके से आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। दैट्स इट बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई इशू हो तो कॉमेंट भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।